हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। हालांकि इस ईयर 2022 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर दी है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन भी क्लोज कर दिया है, लेकिन आपके सवाल, आपके कमेंट लगातार आते रहते हैं। एक सवाल आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैंसिल करवा दिया है, लेकिन आपके पास ना तो कोई कन्फर्मेशन आई है, ना तो आपके पैसे वापस आए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा ये एडमिशन कैंसिल अगर आपने कर दिया है तो क्या करना है, आगे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई जानकारी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो उसे आप मिस ना कर जाए। तो सवाल पहला है कि एडमिशन कैंसिलेशन का। जी हाँ, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या दूसरे सीएट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन मिला था, एडमिशन कंफर्म हो गया था, लेकिन किसी वजह से, हो सकता है कि आपको दो यूनिवर्सिटीज़ में, एक साथ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया, तो आप एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करवा चुके हैं या करवाना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे होगी। अगर मैं मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है एडमिशन कैंसिलेशन कराने का, और आप में से कई लोगों ने एडमिशन कैंसिलेशन करवाया भी है। उसके लिए करना यह है कि जो भी समर्थ पोर्टल का जो भी पेज है, जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको एक टैब मिलेगी जहां पे ये लिखा हुआ है कि सबमिट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन कैंसिलेशन। आपको उस बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपसे कुछ और जानकारी मांगी जाएगी, क्या रीज़न है एडमिशन कैंसिलेशन करवाने का। इसके बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन टेक्निकली कैंसिल हो गया, यानी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने एडमिशन लिया था, उस यूनिवर्सिटी को आपका एडमिशन कैंसिलेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हो सकता है कि एक हफ्ता दो हफ्ता वक्त लग जाए, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको लेट इंटीमेट करे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका होता है। फिर भी अगर आपको डबल श्योर करना है, डबल इंश्योर करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो एडमिशन कैंसिलेशन आपने करवाया है उसका स्क्रीन शॉट आप ले लें, और जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने एडमिशन कैंसिलेशन करवाया है उसके एडमिशन हेल्प डेस्क पर अपने स्क्रीन शॉट के साथ ईमेल कर दें कि आपने एडमिशन कैंसिलेशन करवा दिया है, और आपको कंफर्म किया जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही साथ आपके जो भी पैसे होते हैं, जो भी आपकी फ़ी है, वो आपके जो भी अकाउंट आपने दिया है उस पर वापस कर दिए जाए। तो यही प्रक्रिया होती है एडमिशन कैंसिलेशन करवाने की और उसके बाद फी रिफंड पाने की। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप कन्फ्यूज़ थे, बार बार सवाल पूछ रहे थे कि एडमिशन कैंसिलेशन कैसे होगा, फी रिफंड कैसे होगा, उन सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमेशा की तरह सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर योर करियर।